हेलो एंड वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं नेम खान, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनके डिजिटल पॉइंट में। और गाइस, आज मैं आपको ऐसी एक ऑल इन वन एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जहां पर आप 1,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अगर आपको मूवी टिकट बुक करनी है, आपने रिचार्ज करना है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदना है, तो वहां पर आपको पे लेटर का एक ऑप्शन मिलता है। पे लेटर मतलब उसके जो पैसे आप बाद में दे सकते हैं, चाहे आप उसको एक साथ दे दीजिए, चाहे उसको आप EMI में कन्वर्ट करके दे दीजिए। तो यहां पर आपको जो है पे लेटर का ऑप्शन ही मिलता है, लोन भी मिलता है और साथ ही साथ आप इसको वॉलेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ से UPI द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर, आप यहाँ पर पैसे ले सकते हैं और यहाँ पर आप जो है 1.5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक का जो है लेन देन भी कर सकते हैं। तो ये है ऑल इन वन ऐप और इस एप्लीकेशन का नाम है लेजी पे। जी हाँ गाइज, मैं बात करने वाला हूँ लेजी पे एप्लीकेशन के बारे में और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद किस तरीके से इसके अंदर साइनअप करना है वो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इस तरह की वीडियो हर रोज़ मिलती रहती है। आपके लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आता रहता हूँ जहाँ पर आप जो है लोन ले सकते हैं या फिर आप जो है इंस्टॉलमेंट पर कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। और गाइस, अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, डॉक्यूमेंट्स में आपको यहाँ पर चाहिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक अकाउंट, ये आपके पास तीनों होना चाहिए। एक सेल्फी आपको वहाँ पर अपलोड करनी है, उसके बाद आपने जो है यहाँ पर अप्रूवल लेना है। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा, कितना अप्रूवल मिलता है वो तो मैं पक्की गारंटी नहीं ले सकता। जरूरी नहीं कि आपको वहाँ पर 1,00,000 रुपये का ही लोन मिलेगा, आपको वहाँ पर कम भी क्रेडिट लिमिट मिल सकती है, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 10, 20, 30, 50, 1,00,000 रुपये तक की आपको लिमिट मिल सकती है। ठीक है, ये वीडियो देखने के बाद मुझे गालियाँ मत देना शुरू कर देना, भाई मुझे लोन नहीं मिला, ये फेक वीडियो, ये वो है। भाई सब कुछ रियल है, यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। बस आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर जो है लोन मिल जाएगा, आपको लिमिट मिल जाएगी एक तरह की। यहाँ पर जो है ये लोन जो आपको मिलेगा, इसको आप विदड्रॉल भी कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर, या फिर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं सीधा से आप खरीद भी सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे कहीं शॉपिंग करनी है, तो यहाँ से आप जो वहाँ पर ये जो पेमेंट है कर सकते हैं, उसके जो पेमेंट है वो बाद में दे सकते हैं, चाहे उसको EMI में दे दीजिए, चाहे आप उसको डायरेक्टली एक बार में दे सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर वर्क करती है ये एप्लीकेशन और क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस साइनअप करने के, चलिए देख लेते हैं। सो गाइस, अभी हम प्ले स्टोर पर हैं और आपके सामने एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेजी पे EMI वॉलेट UPI ऑल इन वन सिट्रस ऐप। तो ये वाली एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है और डाउनलोड करने के बाद में इसके अंदर साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद में किस किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्रूवल लेना है वो मैं आगे आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो है आप इंस्टेंटली लोन ले सकते हैं 1,00,000 रुपये तक का, और वो लोन अमाउंट जो है आप अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दूसरा, आपको इसके अंदर पे लेटर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, रिचार्ज करना चाहते हैं, छोटी मोटी शॉपिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, उसको जो है आप उसका जो पेमेंट है वो बाद में कर सकते हैं। वहाँ पर पेमेंट हो जाएगा, लेकिन उसका जो पैसे आप यहाँ पर बाद में दे दीजिएगा, उसको बोलते हैं पे लेटर। तो पे लेटर का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है और आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगा। और तीसरा जो है ये वॉलेट के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसमें UPI द्वारा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ले भी सकते हैं, तो वॉलेट के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है, वैसे इसको डाउनलोड कर लीजिए आप, और डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर हमें साइनअप करना और क्या क्या प्रोसेस है। तो चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं। और गाइस, जैसी एप्लीकेशन ओपन होती है तो आपके सामने कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा यहाँ पर, तो आपने सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपने अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर जो है साइनअप कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद उस पर एक OTP आएगी, OTP आपने यहाँ पर डालनी है, और OTP डालने के बाद जो है यहाँ पर साइनअप हो जाएगा। साइनअप होने के बाद आगे क्या होता है वो अभी देख लेते हैं आगे अभी। तो अभी यहाँ पर मैं अपनी जो OTP है वो डाल देता हूँ, और OTP डालने के बाद वेरीफाई करना है आपने। वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर जो है ये प्रोसेस हो रही है अभी, और उसके बाद जो है ये डन हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपने जो अपना नाम है वो डालना है, और नाम आपने वही डालना है जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के अंदर हो, बिल्कुल सेम नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, और ईमेल आईडी डालने के बाद में आपने नेक्स्ट कर देना है। और जैसे आप नेक्स्ट करते हैं तो आपके सामने एक पेज कुछ इस तरीके से खुलेगा, तो ये बोल रहे हैं कि हम आपको 1,00,000 रुपये तक की क्रेडिट लिमिट देते हैं, तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शन दिखाई दे रही है, इंस्टेंट पर्सनल लोन और पे लेटर और एक EMI प्लान। ठीक है, तो आप यहाँ पर पे लेटर और इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, तो लेकिन उससे पहले आप जो है EMI प्लान देख लीजिए। ठीक है, किस किस तरीके से यहाँ पर लोन मिलता है और उसका क्या इंटरेस्ट देना होगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इंस्टेंटली पर्सनल लोन मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, कम से कम आप 10,000 रुपये यहाँ से लोन ले सकते हैं, और जो उसका इंटरेस्ट है केवल विदड्रॉ अमाउंट पर ही होगा। ठीक है, 3 से 24 महीने के लिए इजी इंस्टॉलमेंट पर आप यहाँ से जो है लोन ले सकते हैं। तो चलिए अब आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देना है। इसका जो नेक्स्ट पेज है वो है EMI कैलकुलेटर।
यहाँ पर जो है आपके सामने कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। तो अगर आप जो है यहाँ पर 10,000 रुपए लेना चाहते हैं, ठीक है, और वो 3 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो उसकी 3434 रुपए आपको जो है मंथली ईएमआई देनी होगी 3 महीने के लिए, और 18% इसका इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देना होगा। तो अगर आप 10,000 रुपये लेना चाहते हैं तो आप ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 15 महीने के लिए ले सकते हैं। तो चलिए गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए। अगर आप ये 10,000 रुपये लेना चाहते हैं तो गेट स्टार्टेड पर आपने क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेते हैं, और उसके बाद जो है यहाँ पर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी भरनी है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर, आपका पूरा नाम जो आपके पैन कार्ड में हो, ठीक है, और उसके बाद जो है अपना डेट ऑफ बर्थ आपने डाल देना है, उसके बाद मेल, फीमेल, अदर वगैरह यहाँ पर जो आपने डालना है वो डाल देना है, सैलरीड एंड अदर। अगर आप सैलरीड है सैलरीड कर लीजिए, अगर आप अदर हैं तो अदर कर दीजिए। वैसे मेरे ख्याल से सिर्फ सैलरीड को यहाँ पर जो है ये लोन देगा। उसके बाद आपकी कितनी मंथली इनकम है वो डाल देनी है, 30,000, 60,000 या फिर 1,00,000, जो भी आप डाल देना। उसके बाद करंट एड्रेस, और करंट एड्रेस डालने के बाद अपना एरिया का पिन कोड जहाँ पे आप रहते हैं, और आपने पिन कोड डालने के बाद में नीचे राइट का निशान टिक कर देना है, और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। मैं आपको यहाँ पर केवल बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीट प्रोसेस तो नहीं दिखा रहा हूँ। और जब आप ये सब कुछ कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिमिट दी जाएगी। लिमिट आपकी कितनी भी हो सकती है, लेके 0 से 1,00,000 रुपए तक, उसके बीच में 2,000 भी हो सकती है, 5 भी, 10 भी, 50 भी, चाहे 1,00,000। वो आपके सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिविल स्कोर कैसा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये जो लोन है वो रिजेक्ट भी कर दिया जाए। ये जरूरी नहीं होता कि आपको यहाँ पर लोन मिलेगा, ठीक है, तो मैं गारंटी नहीं लेता कि आपको यहाँ पर लोन मिलता है या नहीं मिलता है। जब आपको ये लोन मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा, तो आपने यहाँ पर अपनी केवाईसी करनी है, अपने आधार कार्ड की फ्रंट एंड बैक फोटो अपलोड करनी है, और अपलोड करने के बाद में उसके बाद आप जो है जो भी आपको वहां पर लिमिट मिलती है उसको विथड्रॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1,00,000 आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको 1,00,000 रुपए को आप विथड्रॉल कर सकते हैं अपने बैंक के अंदर। तो मान लीजिए अगर आपने 95,000 रुपए विथड्रॉल करने हैं अपने बैंक के अंदर, और उसको जो है आप 9 महीने के लिए लेना चाहते हैं, तो 10,800 रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट होगी, जिसका जो इंटरेस्ट है वो 18% होगा, ठीक है। तो आप ये अगर लेना चाहें तो सिर्फ आपने ओके गो इट पर क्लिक कर देना है, और ये जो अमाउंट है आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल है यहाँ से लोन लेना। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ से लोन लेना है। और दूसरा, आप यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। अगर आपने रिचार्ज करना है, मूवी टिकट लेनी है, ठीक है, या फिर आपने छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, तो आप इसका पे लेटर का ऑप्शन भी ले सकते हैं। पे लेटर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई शॉपिंग करनी है छोटी मोटी, तो उसका पेमेंट आप अभी कर दीजिए, उसके पैसे आप बाद में दे सकते हैं, इसको बोलते हैं पे लेटर। तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो गाइस, ये थी वीडियो लेजी पेपर। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।